हेलो ना पब्लिक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई हम लोग वापस आ गए हैं एक और पोकेमोन एश ग्रे के खतरनाक वाले नए एपिसोड के साथ। सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग खेल रहे हैं फिलहाल के लिए पोकेमोन एश ग्रे की जर्नी, जो कि बेसिकली बेस्ड है पोकेमोन सीजन 1 की स्टोरी पे, यानी कि एश की स्टोरी पे सीजन 1 की। अभी तक हमारा जर्नी चल रही है एश के साथ ही। एश हमारा ये रहा और अपनी टीम कोई चेंजेस नहीं है, सेम टीम पिजोटो स्क्वाटर पिकाचू बल्बसॉर एंड चार्लीजार्ड। उसमें से चार्लीजार्ड को हटा दो क्योंकि ये साला मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, और बल्बसॉर को रखो भाई। ये बाकी ये चार भाई ये चारों बंदे मेरे ओपी ऑन द ओपी है भाई। और यार अभी हम पिजोटो को थोड़ा बहुत ये करूँगा लेवल अप, क्योंकि बाकी सब हो गए 43 के, अभी बस पिजोटो ही बचा है। और फिर चार्लीजार्ड को कैसे लेवल अप करूँ यार, मेरे साला मेरी बात ही नहीं सुनता है, उसको लेवल अप क्या करेगा। चार्लीजार्ड को लेवल अप करने में बहुत दिक्कत होएगा अभी, मेरे को लगता है तो है भाई। देखेंगे अभी कैसा इवॉल्व करना है चार्लीजार्ड को, मेरी बात सुनने लगा ये तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर भाई बहुत दिक्कत होगा चार्लीजार्ड को लेवल अप करने में। सर गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग को एक फोटोग्राफर मिला था जो एक्चुअली मदद कर रहा था टीम रॉकेट की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था कि टीम रॉकेट थी वो, और वो बेसिकली हमारा पिकाचू को चोरी करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने सॉरी बोल दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसने बोला कि यहाँ पर पास ही में ये जो जिम है, ये जिम नहीं है बेसिकली, ये एक पोकेमोन लीग एडमिशन सेंटर है, ठीक है नहीं, तो यार इसमें पार्टिसिपेट कर लो, वो भी इसमें है। और अभी हम भी जाएंगे इसमें, थोड़ा जाके देखेंगे क्या है पक्का अंदर, क्योंकि अपन भी पोकेमोन ट्रेनर है ठीक है, अपने को भी अच्छा खासा नॉलेज है पोकेमोन का। सो यार ट्राई करेंगे इसके अंदर जाने का। और यार गाइस, जिसने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है, अभी का अभी जो डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है अपने एज ग्रे की। सो अगर तुम्हारा एक दो एपिसोड छूट गए रहेंगे तो या यू कैन वॉच द होल एपिसोड्स देयर, सब सारे के सारे एपिसोड्स की लिंक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी आप लोगों के लिए। क्या इस फटक से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है, और भी स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। सो पांडू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो, प्ले द इंट्रो। ये कौन सा पोकेमोन है? सो गाइस, इंट्रो तो प्ले हो चुका है, सो यार फटाफट से आज का स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड। मैं इतना फंबल क्यों कर रहा हूँ भाई, कुछ भी उड़ पड़ रहा हूँ मैं। चलो पिजोटो को आगे रहने देते क्योंकि उसका मेरे को लेवल अप उसको ही करने का है बेसिकली। यहाँ पर पीछे ना कुछ तो था, मैं थोड़ा मिस किया था लास्ट एपिसोड में, मैं देखा था पर मैं गया नहीं था अंदर। यहाँ पर कुछ है क्या? अरे नहीं, रास्ता बंद है भाई, ऐसा रास्ता बना के रखा है, मेरे को लगा कि भाई इधर से अंदर विंदर जाने का रास्ता है कि क्या, बाकी तो किधर से है नहीं रास्ता, तो छोड़ो अभी। मेरे को लगा भाई उधर से अंदर जाने का रास्ता है कुछ, क्योंकि तो ऐसा दिखा मेरे को। ओके नर जो है यहाँ पर, उस इनसे बात करके देखते हैं। आई केम हियर फ्रॉम द एग्जाम बिकॉज माई वर्क कीप मी टू बिजी टू ट्रैवल वेरी मच, आई एम परफेक्ट फॉर पीपल हुज एज और हेल्थ कीप देम फ्रॉम ट्रैवलिंग। बींग प्रोटेक्टिव नर्स आई कैन हेल्प हील योर पोकेमोन फॉर यू। ओके ओके, थैंक यू नर्स जॉय। चलो अच्छा हुआ नर्स जॉय इधर ही मिल गया, क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा था भाई नर्स जॉय को, भूल लगे। और नर्स जॉय भी एग्जाम देने आई है भाई, तो यार नर्स जॉय आपको भी बेस्ट ऑफ लक। बाकी सब ट्रेनर से भी बात कर लेते हैं ये लोग क्या क्या करने हैं। इफ़ आई पास माई पेरेंट्स से दे विल लेट मी बिकम अ पोकेमोन ट्रेनर। भाई हमको तो ऐसे ही परमिशन मिल गया था भाई, इतना सब हमको करना नहीं पड़ता है। आई विल बी स्टडिंग फॉर वीक्स भाई एग्जाम की, भाई ये लोग पढ़ाई बिढ़ाई कर रहे थे भाई, मैं तो ऐसे ही उठ के आया है, मेरे को पता चला मैं आ गया, मेरे को क्या मालूम। आई एम सो स्मार्ट, आई एम श्योर आई विल पास द टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स। अरे साला भाई, मेरे को लगा चर्चा करेगा भाई, ये तो फाइट पे उतर आया, इसको दिखाना पड़ेगा लगता है अपन कौन है। डोडू है भाई इसके पास, डोडू तो जाएगा भाई। एरिलेस एंड हियर गोज, नहीं बच गया साला। ट्राई अटैक इतना इफेक्टिव रहेगा क्योंकि थंडर भी है ना उसके अंदर, मार खाएगा वो। चलो एक और बार एरियल एस एंड हियर इट गोज डोडो। चलो 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 डोडो निकलते बनो। स्लो ब्रो है तो मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पिजोटो को ही लेवल अप करना ही है। सो सामने कुछ भी आने दो, मैं तो अभी पिजोटो को हिलाना नहीं है भाई इधर से। और अपने पास इससे भी बड़े बड़े पावरफुल मूव्स है,
भाई साले ने मेरा एरियल डिफिट ये कर दिया, डिसेबल कर दिया। अभी एरियल यूज़ नहीं कर सकते अपन लोग, लेकिन हम लोग बाकी के मूव्स यूज़ कर सकते हैं। स्टील विंड ट्राई करके देखते हैं, अगर स्टील विंड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा तो मैं विंड अटैक ही करूँगा शायद से, या विंड अटैक ही रहेगा भाई। ये स्टील विंड इतना खास नहीं है, मेरे को ये चेंज करने का है। स्टील विंड कुछ भी आएगा नया मूव सेट तो मैं स्टील विंड से एक्सचेंज कर लेगा, क्योंकि कुछ काम का नहीं है भाई, वो ज़्यादा डैमेज गिरता ही नहीं है। हालांकि वो अपना डिफेंस बढ़ाता है, पर या वो उसका कुछ यूज़ नहीं है बेसिकली। एग्जीक्यूटर और इसके लिए भी हम लोग ये करेंगे, अपना विंड अटैक करेंगे, क्योंकि ये वन हिट जाएगा। अभी देखना, ये गया 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 एलडी को, अरे सॉरी एलडी को बोल रहा था, एग्जीक्यूटर कल आना। चलो चलो चलो, हो गया तेरा फाइट करके, हो गया लॉल तेरा, बहुत पढ़ाई कर रहा था ना तू, देखा स्मार्ट स्मार्ट करता रहता भाई, क्या स्मार्ट, घंटे का स्मार्ट है भाई तू। चल निकल भाई, दद्दू बिद्दू भी आ रहे हैं क्या, ये क्या है, ये टकला किधर से आया। All my life I have been too busy to become a Pokemon trainer. This stage gives me the opportunity to enter the Pokemon League. Oh, by God, babe! मतलब मेरे को भी chance मिलेगा भाई Pokemon trainer League के अंदर जाने का। I am going to take the test. Let get some practice in first. भाई मैं क्यों लड़ रहा हूँ भाई, लोग के मेरे को नहीं लड़ने का है, फालतू का लड़ रहा हूँ मैं। चलो fast forward में लड़के खत्म कर देते हैं। Venomoth इसके लिए भी Wind Attack काम करेगा। या Venomoth गया, चलो Scyther इसके लिए भी Wind Attack काम करेगा भाई। खत्म भाई, 10 सेकंड में खत्म मैच, देख रहे हो अपना पिजोटो कितना ओपी है। चलो हो गया तेरा, निकल निकल ले बच्चे, निकल ले। अरे इवोल नहीं, इवोल नहीं, इवोल नहीं, पिजोटो का अभी बहुत टाइम है इवोल होने को। सबको पता है कि पिजोटो कब इवोल होएगा, अभी एवरीबॉडी नोज। अरे ये इधर मिल गए मेरे को, टॉड यो है ऐश, यू नो दिस एग्जाम इज अ लॉट हार्डर देन आई थॉट, आई थिंक आई एम स्टिक टू टॉकिंग पिक्चर्स। ओ दैट रिमाइंड्स मी, वुड यू लेट मी टेक अ पिक्चर ऑफ योर पोकेमॉन टीम टू पुट योर ट्रेनर कार्ड। यस यस भाई, मैं अच्छा इसने अभी पूछ लिया भाई, मैं नॉर्मल नॉर्मल कर नॉर्मल कर। चलो अच्छा हुआ, अच्छा भाई ये यही करता रहेगा क्या, मतलब मेरे को चेंज करना रहेगा तो ये हो जाएगा। अभी देखने तो मेरे को कैसा है, हाँ ये चलेगा भाई, ये बस ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। ब्लैक एंड व्हाइट में आई थिंक सो, ब्लैक में शायद से ये सब काला काला हो जाएगा, तो मेरे को होनी चाहिए ये कलरफुल ही, ठीक है चलेगा मेरे को ये। आई थिंक तो मेरे को ना अभी ये क्या है, पीसी है क्या, ये क्या है ये, ऑल मेरा वर्ड्स एंड मस्ट दैट मेक नो सेंस आई। चलो सो वुड यू लाइक टू टेक द रिटन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ स्किल्स एग्जाम, यस वेरी वेल, देन फर्स्ट आई वुड मस्ट टोल्ड यू ऑल द पोकेमॉन्स एज यू आर नॉट परमिटेड टू यूज योर ओन पोकेमॉन। ओ भाई ये कब से हो गया बे, भाई मेरे को कोई भी पोकेमॉन यूज़ करने नहीं मिलेगा मेरा खुद का। क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट भी हो गया एग्जाम। लिकिटंग इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बॉडी, या लिकिटंग का टंग उसके बॉडी के ट्वाइस डबल ही होता है, बहुत बड़ा होता है भाई उसका जीप। नाइंटस इवॉल्व फ्रॉम वल्पिक्स ओनली बाय यूज ऑफ स्टोन फायर स्टोन, ये ओनली मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि वल्पिक्स को अगर हम लोग ना करें तो क्या इवॉल्व होगा। फायर स्टोन से तो कन्फर्म होएगा, फायर स्टोन देगा वो कन्फर्म इवॉल्व होएगा नाइंटस में, पर अगर हम लोग लेवल अप करते जाए उसको तो क्या वो होगा कि नहीं क्या पता, क्योंकि हमारे बाकी बुकेस भी बोलते हैं उसको भी होना चाहिए। सो या ऐसे ही कर देते, छोड़ो भाई। देखा हिप्पोन जन ऑल्सो नोन एज द पंचिंग किंग, पंचिंग डिमोन नहीं बोलते भाई, किकिंग बोलते उसको, पंचिंग तो हिप्पोन चैन है। द ओनली अटैक मैजिक ऑफ ओरिजिनली नोस इज स्प्लैश, या शायद से हाँ स्प्लैश या फिर टैकल था, अरे भूल गया, अरे स्प्लैश था या फिर टैकल था कुछ होता है। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पोकेमॉन, नो बे पागल है क्या, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट नहीं है ये, बस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पब्लिक बाथरूम, क्या मॉल मैं तो भाई कुछ भी ठोका। नाउ लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक टू सी यूर स्कोर इज, यू स्कोर 83% ऑन द रिटर्न वेल एग्जाम सेकेंड राउंड ऑफ द टेस्टिंग विल गेट 3 रैंडम पोकेमॉन्स एंड मस्ट बैटल मी 3 इफ यू कैन डिफीट मी All 3 times you will earn a perfect score.
ओके इफ यू फेल टू डिफीट यू माई मी द फर्स्ट टाइम यू विल फेल द सेकेंड एग्जाम ओके ओके रेडी चलो तीन पोकेम्स मिल गए लेट्स सी क्या होता है इसको देखो मोटे को कलेक्टर भाई चलो इसके पास है चार्जर मेरे पास है क्लिफेरी ओके वेट क्लिफेरी और ये है ना क्लिफेरी के पास मूवसेट कौन कौन सा है कॉस्मिक मूनलाइट मेट्रो स्प्लैश और लाइट स्क्रीन ओके सो मेरे को शायद मेरे को पॉलीबैग को निकालना चाहिए क्योंकि वो इफेक्टिव रहेगा लेट मी रिमूव पॉलीबैग आई नो वो कुछ तो फायर सैकेट टॉस किया भाई गए 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 बच गए भाई बहुत बचा एंड डांस बेली ड्रम बॉडी स्लैप अभी ये इसके पास वाटर टाइप मूव नहीं है क्या ये रेन डांस क्या काम का है कुछ काम का नहीं है रेन डांस भाई हक दिया भाई हक दिया भाई मेरे को लग कुछ तो अच्छा खासा मूव सेट रहेगा इसके पास गधे के पास कुछ अच्छा खासा मूव सेट नहीं है बंदे के पास भाई ये फालतू पोकेमोन है भाई क्या भाई वाटर पोकेमोन होके इसके पास वाटर टाइप मूव्स नहीं है भाई क्या गुंडा बनेगा अभी साले तू बेली ड्रम बॉडी स्लैब डबल स्लैब बॉडी स्लैब बॉडी स्लैब करते गया 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 तेंद्रो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा आई नो दैट मेरे को साइकिक टॉस का टेंशन है बस साइकिक टॉस का टेंशन है बाकी मेरे को कुछ का टेंशन नहीं है साइकिक टॉस का टेंशन है भाई बॉडी स्लैब और ये शायद से ख़त्म हो जाएगा आई थिंक सो या लेट्स गो बे भाई ये साले का मूवसेट ही नहीं क्या गंदा मूवसेट दिया रे मेरे को इसने तो रेन डांस है वो रेन डांस करूँ क्या मैं भाई कुछ काम का नहीं है वो ग्रैवलर है ओके भाई ग्रैवलर है किसको निकालूँ मैं क्लिफेरी तो कुछ काम की नहीं साली मेरी मेरे को इसको दो मिनट बाहर निकालते और तब तक मैं पॉलीबॉल को थोड़ा ये कर दूंगा क्या बोलते उसको हील कर दूंगा क्लिफेरी बस कुछ तो होना चाहिए भाई मूवसेट साला उसको लग भी नहीं कॉस्मिक कुछ तो यूज़ किया मैं मेरे को मालूम नहीं चला कॉस्मिक पावर ये क्या था कुछ तो था ये अच्छा मेरा स्पेशल डिफेंस रोज हो गया ये क्या था व्हाट द हेल ब्रो व्हाट द हेल ये क्या था भाई वो खुद को ही पोड़ लिया भाई बंदा अरे वोल्टा बेबे इजी है रुको इसको भी यूज़ कर लेते भाई इसको क्यों रखना है इसको भी ट्राई करेंगे मैरोवैक को वोल्टा आया तो है भाई ये खुद को ना फोड़ ले भाई हर बार की तरह बोन मिल रेज फ्लैश पीस और थ्रैश ओके मेरे को ना इनके ना थोड़ा ये जानने का है वो मिलेगा क्या मेरे को समरिया मेरे को पता नहीं ये मूवसेट क्या काम करते भाई मेरे को देखना पड़ेगा द यूज टू थ्रो हाँ ये तो थ्रो करने का रेंज तो नहीं करने का मेरे को फ्लैश और तिर ये करते फिर ये अच्छा लग रहा है मेरे को तो जो लास्ट वाला मूव सेट है 120 का डैमेज गिर रहा है भाई उससे स्विफ्ट किया उसने कुछ काम का नहीं है और अपन ये किए कुछ तो किए भाई बहुत बढ़िया मूव सेट है ना ये लाइट स्क्रीन किया रे उसने अच्छा ये करते ही रहेगा क्या ओ भाई सही है रे फिर सही है सही मूव सेट था भाई इसको ही मैं ले लेता पहले दो तीन मैच भी एको चेंज किया मैं फर्स्ट बैटल फिनिश चलो पहला बैटल फिनिश हो गया इजी विन गाइस इजी विन सेकंड बैटल बिगेन भाई मेरा हेल्थ थोड़ा बढ़ा के दोगे क्या क्योंकि मेरा हेल्थ ही नहीं था कलेक्टर और सेम टोकन रहेगा क्या या फिर अलग टोकन आएंगे क्या मालूम टैंकी लकली फेरी ओ नहीं नहीं अरे भाई ये तो गलत बात है भाई ये तो गलत बात है साला ये कोई बात हुई भाई मैं नहीं खेल रहा भाई रुको जरा मेरे को ना इन दोनों को हील करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है वो जीतना है तो मेरे भाई दो मिनट होल्ड कर ले भाई इसको दो मिनट होल्ड कर ले स्टन स्पॉट भाई यार दिमाग ख़राब मेरे को अभी फुल पोर्शन यूज़ करना पड़ेगा मैक्स पोर्शन अभी ऑप्शन ही नहीं है भाई मेरे पास भाई मेरे को लगा ये लोग हिल बिल करके देंगे क्या नॉनसेंस गिरी है भाई ये ऐसा थोड़ी होता है एक तो क्लिफेरी भी कुछ काम भी नहीं है साली पोर्शन है कि नहीं अरे पोर्शन है कि नहीं
ये सब छोड़ो, मेरे को हाइपर पोर्शन दे दो। हाइपर पोर्शन नहीं है मेरे पास भाई, भाई मेरे पास हाइपर पोर्शन नहीं है यार। हो गया हो गया, बीटी हो गया गाइस, बीटी हो गया, बीटी हो गया। चलो कोई ना, मेरे को ये मैक्स पोर्शन यूज कर लूंगा मैं, छोड़ो अभी क्या ही है, बाद में खरीद लेंगे मैं। फिलहाल तो पॉलीबैग पे करते क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट है। क्लिफी रे को भी आई नो कि मैं थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, चलेगा भाई। अरे इसका इसका ये टैंगला करते हैं ना, चलेगा। चल चल ले, चल टैंगला कर। अरे टैकल अटैक बिटकला तेरा सब भाई, ये क्या था, ये क्या था ब्रो, ये क्या था भाई, उसका अटैक फेल हो गया, डिफेंस भी कम कर दिया भाई, ये क्या चीज़ है भाई। एक तो एक करो ना भाई अटैक, भाई क्या गंदा पोकेमॉन है। अरे कितना करेगा कम, और कितना कम करेगा साले, पहले से कम है, गंदा पोकेमॉन, कंफ्यूज होगा। लो हो गया, हो गया बीटी हो गया गाइस, बीटी हो गया। थोड़ा फास्ट फॉर्म में करूँगा ठीक है, इस बार बोन रेज करके देखते हैं। दिमाग खराब भाई, दिमाग खराब, सच्ची बता रहा है मैं। पॉलीवैद को निकालो भाई, नहीं होएगा। अरे इसको क्यों निकाला, हक दिया मैं भाई, भाई क्या पोकेमॉन है, बॉडी स्लैम भाई, कुछ काम नहीं करेगा इसके सामने तो भाई, मेरे सारे पोकेमॉन कमजोर है फिर इसके सामने भाई। कौन सा अटैक मारूं मैं, तुम बताओ भाई, ये बेली ड्रम क्या है, कौन सा अटैक मारूं मैं इसको भाई, ये तो दिमाग खराब करेगा फिर तो ऐसा भाई, क्योंकि मैं कुछ अटैक ही नहीं कर सकता फिर। ये देखो, ये देखो क्या बोला भाई मैं, फालतू का मेरा एक वेस्ट भी हो गया। कॉस्मिक पावर, मूनलाइट, लाइट स्क्रीन, पेट्रो मैश, रुको जरा देखने दो, समरी करने दो जरा। अरे समरी जा या कॉस्मिक कुछ भाई, ये क्या है भाई, एक भी मूवसेट काम का है, कुछ भी काम का है क्या इसके अंदर भाई, ये बस एक ही मूवसेट है जो एटलीस्ट अटैक करता है भाई, ये क्या। लो भाई ये तो भाई नाइंसाफी हुई भाई, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है गाइज, वी वांट जस्टिस, हमारे साथ चीटिंग हुई है भाई। उसके पकवान पूरा फुल हील करके आए भाई, और हमारे को देखो भाई, ओनली बीट मी इन द फर्स्ट बैटल, एज अ रिजल्ट यू हैव फेल्ड द होल एग्जाम, प्लीज रिटर्न द पोकेमॉन, बोरोड फर्स्ट आई विल टेक द बोरोड पोकेमॉन, नाउ आई विल रिटर्न यू द पोकेमॉन, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन द एग्जाम, सॉरी बट यू कांट टेक इट अगेन। ओके ओके ठीक है चल 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 निकल निकल। वैसे नर्स जो है हमारे पकड़ने को हील मिला है ना, देखो तो मेरे को जरा, तो हील करते जाऊंगा मैं इधर से, नहीं है चलो हील करो हील करो हील करो नर्स, प्लीज हील कर दो हमारे पकड़ने उसको। अरे क्या ही फ़ायदा था भाई जीत के भी, क्या नुबड़े गिरी है भाई, कौन तो कैसा जीतेगा भाई बंदा, मतलब वो तो भाई आते रहेगा ऐसे तो साला, उसको पहला पकवान ही नहीं मर रहा है, एक तो इतने गंदे पकवान दिए मेरे को, वो वाटर टाइप पोकेमॉन है उसके, वाटर टाइप मूवी सेट ही नहीं है, वो रेन डांस है काम का, वो क्या काम का है वो रेन डांस, कुछ काम का नहीं है वो, क्यों आया रे इससे बोलने के लिए वापस, मेरे को लगा इसका हो क्या रहेगा। चलो 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 निकलते गाइस, इधर कुछ काम का नहीं है अभी, अपना हो गया, अपना जीजी हो गया इधर ही। तो यार गाइस आज के एपिसोड में इतना ही था, हमारे साथ नाइन साफी हुई गाइस, हम लोग जीत जाते, पता है क्या, हम लोग एडमिशन प्रोसेस हमारा हो जाता, लेकिन इस तरह ट्रेनर ने हमारा बर्बाद कर दिया, ऐसा पोकेमॉन देखे जिनको कुछ आता ही नहीं है ना, वो बॉडी स्लैप काम कर रहा है भाई उस पर ना, वो ये क्लिफेरी तो भाई अलग ही ना से पड़े उसके भाई, वो बोन रश उसके क्या पोकेमॉन दिए रे बाबा मेरे को। चलो कोई ना गाइस, हम लोग मेहनत करके जाएंगे लेकिन पोकेमॉन लीग के अंदर जरूर जाएंगे। तो यार गाइस आज के एपिसोड में इतना काफ़ी है, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, और हाँ मैं भी मिलूंगा आप लोग से जल्दी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, टाटा। एनी गाइस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, मैं भी मिलूंगा आप लोगों से जल्दी ही, और पोकेमॉन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है अभी, ये है